अब सेकेंड एमसीक्यू के ऊपर आ जाए। सेकेंड एमसीक्यू में वो ये कहता है कि आपके पास इस तरह से एक बॉल है, आपने उसको नीचे की तरफ मुड़ के छोड़ दिया। अब वो नीचे जो आता है वो अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से आता है, तो इसकी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी जो है यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है मैं उसको कह देता हूँ जीरो, तो एक सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर आएगा तो ये आपको पता है उसकी वेलोसिटी 9.81 हो जाएगी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको जी कहते हैं। तो ये आ जाएगा 9.81 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 9.81। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर बन रहा है वो ए ऑप्शन, इसकी ट्रू ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। जो थर्ड एमसीक्यू है उसको देखें। अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब उसने कहा है कि मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप यहां से देखें रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम और चेंज का मतलब होता है हम उसके साथ इस तरह का सिंबल लगाते हैं और मोमेंटम का मतलब है कि उसके साथ लगा दें। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम और ये आपके पास डेल्टा पी है। अच्छा आपको पता है पी जो है वो एम वी के बराबर होता है और हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम वी ओवर डेल्टा टी इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता है मैथ तो कॉन्स्टेंट होता है, मैथ तो चेंज नहीं होता, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं। अब यहां से देखें ये क्या चीज है, ऊपर वेलोसिटी है नीचे टाइम है, तो नीचे टाइम हो तो उसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आपके पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, आपके पास फोर्स होता है। तो जो एमसीक्यू नंबर 2 है उसकी जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बन रही है, जो एमसीक्यू नंबर 3 है उसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ए है, इसका आंसर आपके पास ए की फॉर्म में मिलेगा। एमसीक्यू नंबर 4, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, हम एरिया निकाल लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैं इस तरह से प्लॉट कर देता हूं ऐसे, और इसमें मैं फॉर एग्जांपल ऐसे को लाइन ड्रॉ कर दी कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से है। इसका मतलब वाई एक्सिस पे आपके पास वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में आपके पास टाइम है। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो एरिया अंडर द ग्राफ यहां से इस तरह से आ जाएगा ऐसे, और ये तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है ऐसे। अब ट्राइंगल का उसने हमें कहा है कि एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है ट्राइंगल के लिए, वो 1/2 बेस इनटू हाइट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, बेस आपके पास है टाइम और हाइट आपके पास वेलोसिटी है। अब आपको पता है v इंटू टी डिवाइडेड बाय 2,
अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी होता है, तो ये चीज क्या है? ये तो एस है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा या डिस्टेंस दे देगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो आपके पास बी ऑप्शन बन रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपके पास एरिया है वो एक्चुअली आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है।